नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फेंगशुई कहता है कि घर का बाथरूम हमेशा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है, इसलिए हमेशा घर में बाथरूम के दरवाजे को बंद रखना चाहिए। इसके अलावा घर में मेन दरवाजे के सामने या बिल्कुल बराबर में बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेन दरवाजे से घर में आने वाली ऊर्जा दूषित हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे फेंगशुई के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाथरूम में रखने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सकता है। अगर घर का बाथरूम उत्तर दिशा में है तो इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मिट्टी से बनी कोई वस्तु वहां पर रखनी चाहिए, और अगर दक्षिण दिशा में है तो इसके लिए अपने बाथरूम में एक नीली बाल्टी पानी की भरकर रखनी चाहिए और इस पानी को रोज बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। अगर घर का बाथरूम पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इससे निकलने वाली नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इसमें नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची इत्यादि रखनी चाहिए। और अगर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में है तो इसमें एक लाल मोमबत्ती रखना लाभदायक होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बाथरूम की वजह से घर में वास्तु दोष है तो बाथरूम में शीशे के बर्तन में नमक भर कर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शीशा और नमक दोनों राहु के कारक होते हैं और इससे राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है और घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।